हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक हेवन। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट है उसको कैसे रीड किया जाता है। तो जो नेम प्लेट मैंने आज लिया है उसका जो रेटिंग है, देखिए इधर 4000 4000 KVA का है, मतलब 4 MVA का हम एक ट्रांसफार्मर लिया है। उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो देखिए, उसका एच वी साइड में जो वोल्टेज है वो 11 KV है 11000, और एल वी साइड में 433। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 11000 वोल्ट को 433 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका जो करंट रेटिंग है देखिए, एच वी साइड में 209 और एल वी साइड में जो है 5333। ये एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है। उसका एच वी एंड एल वी दोनों साइड में 3-3 तो करके फेज है। उसके बाद देखिए वर्क ऑर्डर नंबर है जो बनाने के टाइम दिया है, और उसके बाद कस्टमर का रेफरेंस है, इस साइड आ जाते हैं। इसका टाइप ऑफ कूलिंग, इसका जो टाइप ऑफ कूलिंग है, एक्चुअली ट्रांसफार्मर का 4 टाइप का कूलिंग सिस्टम है। उसमें इधर ON AN, इसका मतलब है ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है। इसका इम्पीडेंस वोल्टेज है 8.70%। इसका मतलब क्या है कि जब ये ट्रांसफार्मर का फुल लोड में ऑपरेट करेंगे, मतलब मान लीजिए कि इसका 4 MVA ही लोड आ गया, उसी टाइम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 8.70% डाउन हो जाएगा इसका आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद है फैक्टर ग्रुप DYN11, इसका मतलब है इसका जो एच वी साइड है वो डेल्टा में है और एल वी साइड जो है उसका स्टार में है, उसमें एक न्यूट्रल है। और 11 का मतलब है कि इसका 30 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, एच वी साइड से एल वी साइड 30 डिग्री लीडिंग चल रहा है। उसका कोर एंड विंडिंग्स टोटल वेट में 5072 kg है। ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग ऑयल है इसका वेट है 1844 kg, टोटल वेट है 9476 kg। ट्रांसफार्मर का अंदर जो कूलिंग ऑयल है इसका लीटर में है 2144। ये ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया गया 2015 में। इसके बाद देखिए कि गारंटेड मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इन ऑयल एंड विंडिंग 45 एंड 55। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है बनाने वाला वो आपको गारंटी देता है इसका ऑयल टेम्परेचर 45 डिग्री तक एंड विंडिंग टेम्परेचर 55 डिग्री तक जाने से ट्रांसफार्मर का ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। उसके बाद देखिए टैपिंग रेंज +5% टू -5% इन 4 स्टेप ऑफ 2.5%। इसको जानने से पहले एक बात के ऊपर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक ऑफलोड टैप चेंजर है। इस ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर ऑपरेटिंग है ये ऑनलोड में नहीं होगा, ये ऑफलोड में होगा। अभी आते हैं टैपिंग रेंज का ऊपर। टैपिंग रेंज जो 5% टू -5% इन 4 स्टेप ऑफ 2.5%, इसका मतलब है इस ट्रांसफार्मर का नॉर्मल पोजीशन से 2 टैप ऊपर जाएगा और 2 टैप नीचे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इधर 11000 देखिए, 3 नंबर जो स्टेप है इसमें 11000 है, उसका ऊपर 2 स्टेप है 1 एंड 2 और नीचे 2 है 4 एंड 5। जब हम लोग टैपिंग को ऑपरेट करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग 1 टैप ऊपर किया तो इसका 2.5% वोल्टेज जो है 11000 का बढ़ेगा, मतलब 11000 का 2.5% है 275, तो 11000 प्लस 275 एक स्टेप ऊपर करने से होगा। मान लीजिए कि और एक स्टेप हम लोग ऊपर कर दिया तो और 275 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 11500, तो दोनों मिला के 5% स्टेप ऊपर हो गया। और इसी हिसाब से अगर एक स्टेप नीचे करेंगे तो 275 माइनस हो जाएगा, माइनस होके 10725 वोल्टेज आएगा, मतलब 2.5% डाउन हो गया जो रेटेड वोल्टेज से। और एक स्टेप डाउन करेंगे तो 10450 आ जाएगा, मतलब अगर हम लोग 2 स्टेप ऊपर ऑपरेट कर दिया
तो 5% का वोल्टेज ऑपरेटिंग हो रहा है, अगर दो स्टेप नीचे भी कर दिया तो -5% का ही वोल्टेज ऑपरेट हो रहे हैं, इसलिए इसका दिया हुआ है 4 स्टेप में होगा +5% to -5%। और जो एक चीज़ है कस्टमर नेम, वो हम नहीं दिखा सकते कुछ इशू के लिए। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिक हेवन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।